नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको कर्ण से जुड़ी ऐसी पांच अनकही बातों और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर एक, मान्यता के अनुसार द्रौपदी कर्ण से प्यार करती थी और कर्ण भी उसे बेहद पसंद करता था। द्रौपदी से शादी करने की इच्छा लेकर कर्ण भी उनके स्वयंवर में पहुँचे थे, परंतु राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था, जबकि कर्ण उनके पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने स्वयंवर से पहले ही द्रौपदी को बताया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है। ऐसे में यदि वह उसे चुनती है तो जीवन भर एक दासी बनकर उसे जीवित रहेगा। शायद यही कारण था कि जो भरी हुई सभा में द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर बदनाम कर दिया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय में उसे कर्ण से बचने की आशा थी, लेकिन कर्ण अपना अनादर याद करके आगे नहीं बढ़ा पाया। नंबर दो, पुराणों के अनुसार दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कर्ण और भानुमति एक दूसरे के मिलाप मित्र थे और दोनों की आप में काफी कुछ बन रहा था। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण भानुमति की ऊंचाई बढ़ रही थी और जीत हुई थी। अचानक दुर्योधन के आने पर भानुमति ने उठने की कोशिश की तो कर्ण ने उसे पकड़कर वापस बिठाना चाहा। इस दौरान भानुमति की गणना कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। हालांकि भानुमति को डर था कि दुर्योधन उन्हें गलत न समझ ले, लेकिन दुर्योधन का कर्ण पर संदेह नहीं था और उन्होंने उस बात को अनदेखे कर दिया। नंबर तीन, अर्जुन और दुर्योधन की तरह ही कर्ण की शक्ति भी कम नहीं थी। कर्ण के पास इंद्र भगवान द्वारा दिया गया आयु अमोघस्त्र था। यह अमोघस्त्र उन्हें अक्षय देवता से कवच और कुएं के बदले में प्राप्त हुआ था। कर्ण का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते थे। यह विवेक जिस पर भी चलता है वह निश्चित रूप से मारा जा सकता है। कर्ण इस वरदान का उपयोग अर्जुन के खिलाफ करना चाहता था, लेकिन इसका उपयोग उसे भी पुत्र घटोत्कच पर हो गया था। नंबर चार, एक बार माँ कुंती कर्ण के पास गई और पांडवों की तरफ लड़ने के लिए उन्हें प्रार्थना करने लगी। कर्ण जानते थे कि कुंती उनकी माँ है, लेकिन इसके बाद भी वे पांडवों के साथ देने से पीछे हट गए। कर्ण ने कहा कि मैंने अब तक अपना सारा जीवन कौरवों के साथ मिला दिया है, इसलिए मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे में जब कुंती ने कर्ण से पूछा कि क्या तुम अपने ही भाइयों को मारोगे, तो जवाब में कर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों भाइयों पर वार नहीं करेंगे।